Hello everyone and welcome to eTakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to begin with another important chapter of English which is pronouns. ठीक है, तो nouns अब हमने कर लिया है and I hope कि आपको उसके rules, types सब कुछ बड़े clearly समझ आ गए होंगे and you are also able to solve questions based on it. अब हम बात करेंगे pronouns की which is another part of speech. एंड नाउन्स से बिल्कुल ही ये नेक्स्ट क्यों रखा जाता है, बिकॉज ये थोड़ा बहुत नाउन से रिलेटेड है. लाइक राइट, इसके नाम में आप देखो प्रो नाउन आ रहा है, सो इट इज रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स. नाउ बाय द डेफिनेशन प्रोनाउन्स आर व्हाट दे आर एसेंशियली यूज्ड फॉर नाउन्स और इन द प्लेस ऑफ नाउन्स. सो व्हेन आई से अ सेंटेंस, जैसे मैं अगर आपको एक ही सेंटेंस बोलूँ कि यू नो राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, राम इज गुड एट स्टडीज, राम लिव्स इन दिल्ली, Ram is in 10th standard. When I'm saying these lines, what word I'm repeating the most, that is Ram. Ram मैं बार बार repeat कर रही हूँ और उससे sentence या जो भी आपका paragraph है वो बहुत monotonous हो रहा है. ठीक है, तो इस repetition को break करने के लिए हम क्या करते हैं, Ram क्योंकि वो एक person है उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, he. Okay, इसी तरीके से अगर कोई girl है तो हम pronoun क्या लगा देते हैं, she. For non-living things, we will use the pronoun it. For myself, I will use the pronoun it. तू या तुम्हारे लिए हम यूज करेंगे यू. हम बहुत सारे हैं, फर्स्ट पर्सन में तो मैं क्या बोलूंगी, वी. फिर तुम बहुत सब तो दे. इस तरीके से ये कुछ प्रोनाउन्स हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. प्रोनाउन में पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होगा, मैं. इंग्लिश में कभी भी अगर इन थ्री पर्सन का कॉन्सेप्ट आए, फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज आई, द वन हु इज डूइंग द जॉब, द वन हु इज टॉकिंग. फर्स्ट पर्सन हमेशा आई या वी को रखते हैं. ठीक है, सेकेंड पर्सन हम किसको रखते हैं, हमेशा यू को. सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू एंड बाकी जितने भी हैं, ही, शी, इट, दे, ये सब किस में आते हैं, आपके थर्ड पर्सन. इसके कॉन्सेप्ट आगे हमें यूज होंगे, अप्लाई हम करेंगे, तो आपको इतना याद रखना है जरूर. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जॉन गॉट द न्यू जॉब, ही गॉट द न्यू जॉब. चिल्ड्रन शुड वॉच लेस टेलीविजन, दे शुड वॉच लेस टेलीविजन. किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क. द ओनली डिफरेंस हियर इज कि हमें जो ये पर्सन है ना, इनको रिप्लेस करके हम एक प्रोनाउन लगा लें. ठीक है, तो ये आपको ही, शी, इट, आई, वी, यू आपने पढ़े हैं. हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. टाइप्स जो हैं, दे आर बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हम किसके मदद से याद रखेंगे, हम एक निमोनिक के मदद से याद रखेंगे. अब वो निमोनिक क्या है, देखो, प्राइड, रिड, पी आर, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोनाउन. अब बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या ये टाइप्स याद रखने इम्पॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल याद रखने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉल्व करोगे तो अगर आपको टाइप्स पूछ लिए जाएं तो इन्हीं से आप सॉल्व कर पाओगे. और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो यू विल कम टू नो दैट देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे प्रोनाउन के टाइप्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, आर है रिफ्लेक्सिव, फिर आता है आपका इनडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, then you have emphatic, relative, interrogative, ठीक है, then we have distributive, then we have possessive, and the last one is reflexive. ये आपको टाइप्स जो है वो याद रखने हैं. ये वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करते गए. ये देखो, ये एक पूरा चार्ट है. पर्सनल प्रोनाउन हमेशा किसकी बात करता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मैंने आपको बताए वो सब आपके किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में. जो ये इट है ना, ये एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये आप याद रख लेना अलग से. ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में एक बार. तो इट को अलाइन किया हुआ था और पूछा था कि बताओ ये कौन सा जो है वो प्रोनाउन है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, इम्पर्सनल, राइट. देन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हम एक एक करके भी पढ़ेंगे.
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ, मतलब ये मेल फीमेल सिंगुलर प्लूरल किस फॉर्म में हम क्या पढ़ें। देखो, कुछ प्रोनाउंस हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि मी इज डूइंग माई वर्क, यू विल ऑलवेज से आई एम डूइंग माई वर्क। आई इज ऑलवेज इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी आई हमेशा करता होता है सेंटेंस का। अगर आप सेकेंड पर्सन में बात कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया था यू है, आप हमेशा यू क्या बोलते हो, यू आर डूइंग योर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, आप कभी नहीं बोलोगे कि हिम इज डूइंग हिज वर्क। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये कुछ प्रोनाउंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही आते हैं, दैट इज वाई दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके, सिमिलरली शी, इट, वी, यू, दे आर ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दे कैन नेवर एंड द सेंटेंस। ऑफकोर्स देर आर एक्सेप्शंस विच वी विल कम टू नो। ओके, नाउ वेन यू से ही इज टॉकिंग टू मी और ही इज टॉकिंग टू आई, ही इज टॉकिंग टू मी, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है सेंटेंस का। यू दोनों केसेस में सेम रहता है, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हूम यू, आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू ही नहीं बोलते हम। तो आप ये देखो, ये सारे वर्ड्स हमेशा क्या बनाते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ये सब हमेशा क्या किस में आएंगे, आपके ऑब्जेक्ट में। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें, इसको छोड़ दो, ये हम एडजेक्टिव्स में करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर मैं बात करूँ, पोजेसिव मैंने कल भी बताया था, पोजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप, पोजेशन शो करना किसी चीज़ पे। दिस इज माइन, दिस कार इज माइन, दिस कार इज योर्स, मतलब तुम्हारी, दिस कार इज हिज, उसकी, दिस कार इज हर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, इट्स, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सब क्या है, दे शो पोजेशन, कि किसको बिलोंग करती है, मुझे, तुम्हें, उसे, ठीक है, हम सबको। सो दिस इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। ये आपको तीन जरूर याद रखने हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव, कहाँ पे कौन सा लगता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी रिफ्लेक्सिव कम्स फ्रॉम द वर्ड रिफ्लेक्शन। वेन एवर आई हैव अ प्रोनाउन लाइक आई, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ। यू हैव अ प्रोनाउन विद आई और यू और ही, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर रही हूँ। तो हिंदी में क्या होता है, हम एक ही वर्ड खुद को हर जगह लगा सकते हैं, वो अपना काम खुद कर रहा है, तुम अपना काम खुद कर रहे हो, बट दिस इज नॉट द केस इन इंग्लिश। यू विल हैव टू चेंज दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो इफ आई से आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, दिस इज माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, आई को। यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम खुद करोगे, सो योर सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ यू। सिमिलरली यू कैन सी देर इज हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। सो एवरी प्रोनाउन विल हैव अ रिफ्लेक्शन एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वेन वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना या किसी चीज़ को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट इज टू शो बेसिकली। तो जब हम किसी को पॉइंट आउट करके, किसी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करके डिपिक्ट करते हैं, हम उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। दीज प्रोनाउन्स, लिसन वेरी केयरफुली, दीज प्रोनाउन्स कैन इंडिकेट आइटम्स इन स्पेस और टाइम एंड दे कैन बी इधर सिंगुलर और प्लूरल। डेमोन्स्ट्रेटिव याद रखने का सबसे ईजी तरीका मैं बताती हूँ कि इसमें चार ही वर्ड्स को आपको याद रखना है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज, जस्ट दीज फोर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, दिस का मतलब होता है ये कोई सिंगुलर चीज विच इज क्लोजर टू मी, जो मेरे, जैसे दिस इज अ पेन, वाई एम आई सेइंग दिस, एक तो ये सिंगुलर है और एक ये जस्ट क्लोज है मेरे सब्जेक्ट के, ठीक है, तो ये दिस है। दैट इज अ टेबल, मतलब समथिंग विच इज सिंगुलर बट इट इज फार इन डिस्टेंस। व्हेन आई से दीज,
आई मीन टू से दैट दे आर क्लोजर टू द सब्जेक्ट बट दे आर प्लूरल. तो अगर आप देखो दिस वॉज माई मदर्स रिंग, इसका मतलब रिंग एक है और ये सब्जेक्ट के बिल्कुल पास है, इस माए के पास है. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, दिस. दीज आर नाइस शूज, दे आर प्लूरल. ऑफकोर्स शूज इज ऑलवेज अ पेयर, सो दीज आर नाइस शूज. ओके, दैट इज माई कार. सो दैट का मतलब क्या है, जो चीज़ आपसे दूर है बट है सिंगुलर. दोज आर माई फ्रेंड्स, वॉट डज इट मीन, दैट पीपल आर प्लूरल, दीज पीपल आर प्लूरल इन क्वान्टिटी एंड दे आर ऑल्सो अवे फ्रॉम यू. सो ऑल दीज फोर वर्ड्स दे विल मेकअप फॉर योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, दिस दैट दीज एंड दोज, राइट. रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये होता क्या है. देखो रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेशन से ही वर्ड आता है, जो प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को रिलेट करने का काम करे या जोड़ने का काम करे, ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर. ओके, नाउ इफ आई वर टू जॉइन दिस सेंटेंस यूजिंग अ प्रोनाउन, व्हाट विल आई से, आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर. मैं इस ही को यानी इस प्रोनाउन को रिप्लेस कर रही हूँ किससे, हु से. हु का मतलब क्या होता है, जो. आई हैव अ फ्रेंड जो एक डॉक्टर है. देखो यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट है अबाउट द फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, राइट. दिस इज जो. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव अ फ्रेंड, हिज फादर is a doctor. Now what is important here, I have a friend, his father is a doctor. Now who is important here, this person, the second person. To main isko his ko kisse replace karungi, his yahan pe ek possession hai, whose father, jiske father. To whose ka matlab kya hai, jiska ya jiski, kiska ya kiski. Aap hindi mein likh lo, aapko zyada clarity rahegi ki hum kiske bare mein baat kar rahe hain. And then there is whom. I know whom you are talking to, जिससे या किससे, ठीक है. इट्स बेटर टू लर्न ऑल ऑफ दिस इन हिंदी, इट विल बी इजियर फॉर यू. सो हु, विच, दैट, हूज, हु, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट आस्क दिस कि हमें कैसे पता कि ये हु इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है. देखो जब ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो ये डेफिनेटली रिलेटिव है. ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि हु इज़ योर फादर या हु इज़ योर फ्रेंड. It's just telling you that I have a friend who is a doctor, whose father is a doctor. So ये बता रहा है दो sentences के बीच का relation, right? That is why it is a relative pronoun, because it is coming in the middle of the sentence. It is not asking a question. It is not starting a question. Okay? So clearly this is what is who, whom, and whose. Now there is a difference, and there is this very common question that what is the difference between which and that? क्योंकि who, whose, or whom हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए. जैसे अगर मुझे बोलना हो कि देखो आई हैव अ कार, द कलर ऑफ विच इज रेड, आई विल नॉट से हुज कलर इज रेड बिकॉज कार इज अ नॉन लिविंग थिंग. बट विच और दैट में फिर फर्क क्या है. जैसे आई हैव अ पेन दैट वॉज लॉस्ट यस्टरडे या विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे. So the very minute difference between the two words is that which is always used जब आपके पास कोई additional information हो. जैसे मैं first sentence पढ़ती हूँ, spaghetti which we at least twice a week is one of my family's favorite meals. और एक indication है अगर comma आ जाए ऐसे बीच में, जब ये commas आ गए ना दो, इसका मतलब ये comma के अंदर जितनी भी information है ये extra ही हमें ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, which. तो स्पेगेटी जो हम हफ्ते में दो बार खाते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे फैमिली का फेवरेट मील है. द बुक व्हेन इट वाज फाइनली रिटर्न, ये कॉमास के बीच में है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. और थर्ड देखिए, द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली, जो बुक मैंने खरीदी वो बहुत महंगी थी. ये सब अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई चीज़ कॉमा में नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द बुक विच आई बॉट, नो, द बुक दैट आई बॉट. देर इज़ नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ योर डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट.
When we'll do questions and when we'll do rules, you will get to know this even better. Now interrogative pronoun, very easy. Interrogative का मतलब ही होता है question, interrogation. तो ऐसे words जो nouns को replace करें question पूछने के लिए, जैसे I can say he is knocking at the door. अगर मेरे को सवाल पूछना हो तो मैं क्या बोलूँगी, who is knocking at the door. अब इस he pronoun को किसने replace करा है, who ने, तो who कौन सा pronoun है, interrogative pronoun. तो five interrogative pronouns जो हमें पता ही होने चाहिए वो कौन कौन से हैं हमारा, देखो what, which, who, whom and whose. What do you want for dinner? What is your friend's name? Which color do you prefer? Which seat would you like? ये आपका क्या है, interrogative pronoun. ठीक है, तो this is your interrogative pronoun. You can read all these examples and you will get better clarity. Okay. Now what is indefinite pronoun? Indefinite pronoun क्या होता है? Something which is not defined. Indefinite का मतलब ही क्या होता है? Something which is not defined. When I, for example, when I enter a room and I say, he has been called. He has been called. Okay. You know for a fact that when I'm using the word he, I'm talking about a boy. मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने he use किया. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि one of you is called outside या someone is called outside, इसका मतलब कोई भी. अब यहाँ pronoun fixed नहीं है whether it is a boy or a girl. तो indefinite का मतलब ही होता है not defined. जैसे many are called but few are chosen. Somebody ate my sandwich. Somebody, कोई भी हो सकता है. Either choice has its advantages, इनमें से कोई भी. So all these words which is any, anybody, several, anyone, either, neither, nobody, someone, some, ये सब क्या है आपके indefinite pronouns. और इसमें ये every, all, both, each सब आ जाता है. Some students are busy, right? Someone is knocking at the door. Nobody is going to the party. So when it is not defined, when the pronoun whether it is a he or she is not defined, I or you, कुछ भी defined नहीं है, वो आपका कौन सा pronoun है, indefinite pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया. अच्छा, रिफ्लेक्सिव का ये एक ब्रदर है एम्फेटिक. एम्फेटिक प्रोनाउन है क्या, चलो एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव आर सेम, लाइक आई टोल्ड यू, आर सेल्फ, योर सेल्फ, माई. द ओनली डिफरेंस इज इनका स्ट्रक्चर कि कहाँ यूज होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल ईट इट माई सेल्फ, और अगर मैं बोलूँ आई माई सेल्फ विल ईट इट, मैं अपना काम, मैं ये खुद खा लूँगी और मैं खुद ये खा लूँगी. इनमें क्या फ़र्क है कि सेकेंड सेंटेंस में जब मैंने आई के जस्ट बाद माई सेल्फ लगाया, मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ आई के ऊपर, मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ सब्जेक्ट के ऊपर. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ योर एम्फेटिक प्रोनाउन, वेन आई एम एम्फेसाइजिंग मोर ऑन द सब्जेक्ट. तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक. और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है. देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में कोई फ़र्क नहीं है, आपके वर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है, प्रोनाउन में डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है यूसेज में, डिफरेंस है स्ट्रक्चर में. सो दिस इज़ योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड दिस इज़ योर एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है, ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो खुद करेगा ये काम. ही हिमसेल्फ विल डू इट, वो खुद अपना काम करेगा. देर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, देर इज अ डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड, राइट. तो आप याद कैसे रखोगे, देखो जो बिल्कुल सब्जेक्ट के एक्सट्रीम राइट में आ रहा हो वो रिफ्लेक्सिव है, और जो बिल्कुल रस राइट रस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव, और जो बिल्कुल इसके साथ आ रहा हो वो क्या है आपका, एम्फेटिक. इसको ऐसे याद रखेंगे तभी पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो है वो होंगे, राइट. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट बिल्कुल सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव जो बात करता है इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल कलेक्शन. जैसे एवरी वन हैज डन हिज जॉब इफ आई से, बट व्हेन आई से ईच वन ऑफ यू, मतलब तुम में सब, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम, ओके, इसका मतलब है एक कलेक्शन में से, एक डिस्ट्रीब्यूशन में से आई एम पिकिंग वन और आई एम पिकिंग नीदर. तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव. जब भी ये ऑफ द, ये आपका कीवर्ड है, जब भी ये आ जाए ऑफ द किसी भी इस तरीके के प्रोनाउन के साथ, यू विल कॉल इट
as a distributive pronoun. Neither of them plays well. Each one of you, everyone must finish either of you. All of this, whenever you are picking any particular pronoun from a collection or a distribution, that is a distributive pronoun. This is a basic difference between indefinite and distributive, ki of laga hota hai beech mein. Theek hai? It is easier to make a clearer distinction. Now, what is reciprocal pronoun? Do hi hai isme aapko yaad rakhne hai, jo each other or one another. Ab confusion ye rehta hai ki each other kahan lagta hai aur one another kahan lagta hai. So just remember this one thing, whenever you have two people involved, always use each other. For example, the two brothers were fighting with each other. And when you have more than two people involved, it will be one another. For example, the three brothers were fighting with one another. The couple was dancing with each other. The students were fighting with one another. Whenever the word two is mentioned, each other, otherwise वहाँ क्या आएगा, one another. ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं. कल हम स्टार्ट करेंगे रूल्स के साथ, कि रूल्स हमारे कौन से हैं प्रोनाउंस के साथ रिलेटेड, और क्वेश्चंस कुछ एक PYQs वील डू एंड लिटिल बिट ऑफ वोकैबुलरी. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड आई विल बी बैक सून विद रूल्स ऑफ प्रोनाउंस एंड द PYQs एसोसिएटेड विद इट. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.